हेलो फ्रेंड्स, कीर्ति किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पैटी। उसके लिए देखिए, मैंने ब्रेड की स्लाइसेस ले लिया है और साथ में 5 से 6 मीडियम साइज मैंने आलू ले लिया है, 2 प्याज काट लिया है मीडियम साइज, हरी धनिया की पत्ती, आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो मैं स्क्रिप्ट कर रही हूँ। सबसे पहले जब कढ़ाई का तेल गर्म हो जाएगा तो मैं कढ़ाई में जीरा ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून समथिंग मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कढ़ाई का जीरा हो गया है। अब मुझे कढ़ाई में डालना है प्याज। आप डालना है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी मैं स्किप कर रही हूँ। इसको लाइट ब्राउन कलर तक फ्राई करेंगे। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ में मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी आलू, को अच्छी तरीके चलाएंगे। उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। आप देख सकते हैं अब मैं इसमें सबसे लास्ट में क्या ऐड करूंगी, हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती ऐड करने के बाद में 1 से 2 मिनट के बाद में गैस को बंद कर देना है और इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी आलू तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 1.5 बाउल समथिंग मैदा ले लेना है और मैदे का 1 डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है ताकि इसमें लम्स ना बनने पाए। आप देख सकते हैं अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट, रेड मिर्ची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर, उसके बाद में फिर से
इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पतला सा डो मेरा बनकर रेडी हो गया है। मैंने 250 ग्राम समथिंग वाटर लिया था। मुझे क्या करना है, इसको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक मुझे चौका लेना है और ढक्कन की हेल्प से मुझे ब्रेड को काट लेना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही सारे ब्रेड को मुझे काट कर रख लेना है। ऐसे ही सारे स्लाइसेस को काट के रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ब्रेड को इस ढक्कन की हेल्प से काट कर रख लिया है और ये जो किनारे का पार्ट निकला है मुझे इसे पीस कर रेडी कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका एक फाइन चूर्ण तैयार कर लिया है और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, आलू में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इसको अच्छी तरीके से ऐसे ही लगाएं। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक ऐसे ही पार्ट रखना है। ऐसे ही सारे पार्ट को मुझे तैयार करके रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा पार्ट ऐसे ही तैयार करके रख लिया है। सारा पार्ट तैयार करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही इसको उठाना है और ऐसे अच्छे से इसको डिप करना है। डिप करने के बाद में ये जो मैंने ये फोम रखा बना के चून, मुझे इसमें अच्छे से इसको लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे एक एक करके, जब कढ़ाई का तेल गर्म हो जाए तो मुझे इसे ऐसे कढ़ाई में डाल देना है। ऐसे ही सारे पार्ट को डिप करना है। डिप कर करके ऐसे ही मुझे रख लेना है। इसको पलटते रहना है। ये देखिए, अब ऐसे ही मुझे दूसरे पार्ट को भी कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स,
ऐसे ही मुझे सारे पार्ट को कर लेना है। मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगी। ऐसे मुझे इसको पलट देना है और इस वाले को फ्लैट में निकाल के रख देना है। अभी सबसे लास्ट का है, जो अच्छे से इसको डिप कर लेना है और उसके बाद में है मुझे इसमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्रेड पोटैटो पैटीज बनकर रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।